Assalamu alaikum and good evening. I am Hassan Gondal and I very warmly welcome all of you in this session conducted by ISEP CSS Institute. Jaisa ki aap sab ke ilm mein hoga ki last week CSS 2021 ka result announced hua aur CSS ek aisa exam hai jisko clear karna itself ek bahut badi achievement. Lekin आप इमेजिन करें अगर आप टॉप थ्री पोजीशंस में से एक पे हो तो फिर एक वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है. सो आज जो हमारे गेस्ट हैं पहले जैसे हमने अनाउंस किया हुआ था उन्होंने इस एग्जाम में सेकंड पोजीशन हासिल की. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन यू मस्ट गेस हिम अंटिल नाउ डेफिनेटली. और आज हमारे साथ हैं जनाब एहसन फराज Gondal saab. Janab Gondal saab, many congratulations on this remarkable success and thank you so much for your time, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay. Achha, agar main Ehsan saab ka introduction karaun to kya baat hai? Ehsan saab, janab, inka agar waise background ki baat ki jaye to ye Sargodha se belong karte hain. Aur agar inki academic qualifications ki baat ki jaye to inhone LUM se अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बीएससी ऑनर्स किया हुआ है और उसी दौरान ये यूएसपी एक्सचेंज प्रोग्राम पे गए हुए थे. सो इस किस्म की अचीवमेंट्स हैं इनकी. और जहाँ तक अभी इनकी रिसेंटली बात की जाए कि करियर वाइज या जॉब वाइज ये क्या कर रहे थे तो इन्होंने एक बड़ी हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल फर्म्स में इंटर्नशिप्स की एंड देन आज कल ये मिजान बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी थे. सो एहसन साहब, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो डेफिनेटली सबसे पहले एक होता है कि आप देखते हैं किसी भी एक आप गोल को अगर देखें तो सबसे पहले डेफिनेटली आप एक मोटिवेशन ढूंढते हैं. अब चूंकि मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जैसे कि आपकी डिग्री है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की और LUM जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा और उसके बाद आप बड़ी जबरदस्त जगह पे जॉब भी कर रहे हैं. सो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा इनको क्या सूझी, जैसे LUMS के लोग हैं जिन्होंने बीबीए किया हो एमबीबीए किया हो उनको लोग ये समझते हैं कि यार ये तो वैसे अच्छा खासा कर सकते थे. सो आपकी सीएसएस के पीछे मोटिवेशन क्या थी, व्हाई सीएसएस प्लीज सर? सर सबसे पहले तो आपने जो तारुफ करवाया उसमें Sargodha का तो बता दिया आपने, लेकिन अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा आपको. तो आपके सवाल का जो जवाब है ना वो मेरे एरिया से ताल्लुक है. मैं Sargodha सिटी से बिलोंग नहीं करता, एक गांव है हमारा हाथी में तो वहां से मेरा ताल्लुक है. तो अब हमारा ना बड़ा रूरल सा बैकग्राउंड होता है तो बचपन से ही एक जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता जो एक सरकारी मुलाजमत होती है उसको ज्यादा बेहतर समझा जाता. लेकिन खैर क्योंकि मेरी एजुकेशन थोड़ी सी थी, मुझे फॉरेन एक्सपोजर मिला हुआ था तो मैंने यही पहले शुरू में सोचा कि यार कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए. लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिस तरह से सोसाइटी के लिए काम आप सिविल सर्विस में कर सकते हैं लोकल लेवल पे जाके, और जितना लोकल इंटरेक्शन आपका लोगों के साथ सिविल सर्विस में हो सकता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में शायद इवन दो यू वर्किंग फॉर द कंट्री और आप बिल्कुल मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उतना ग्रास रूट लेवल पे जाके आप शायद इतना चेंज नहीं ला सकते और इतनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उस लेवल पे जाके. तो दिस वॉज द की रीजन. It is right, sir. So you want to serve the nation? Of course. Right. Okay, sir. Next question, pretty similar to the previous one. अब जब आप apply कर लेते हैं, clear हो जाता है exam, सबसे बड़ा जो question mind में आता है, क्योंकि definitely जैसे आपकी बड़ी एक जबरदस्त pure intention है, कि आप चाहते हैं कि इस nation के लिए कुछ किया जाए, grassroots level पे किया जाए. लेकिन उसके लिए फिर हम ग्रुप्स देखते हैं. सो मैं जो आपका ग्रुप है पैस जिसमें आपकी एलोकेशन हुई है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसके रिलेटेड है, व्हाई पैस? अब जैसा कि आपने कहा मुझे तो डेफिनेटली पता है कि आप हाथी विंड से हैं और सारे बैकग्राउंड का कि जैसा हमारा बैकग्राउंड होता है तो वहां तो पुलिस को प्रेफर किया जाता है एक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाए और इस किस्म की चीजें. सो आपने पैस क्यों चूज किया? डेफिनेटली दोनों ही बड़े प्रेस्टिजियस हैं, लेकिन आपने ये चॉइस कैसे की? जी ग्रुप्स दोनों प्रेस्टीजियस से बड़े, लेकिन शायद जब आप सीनियरिटी लेवल पे जाते हैं लाइक मे बी लाइक इन द नेक्स्ट 15 इयर्स
जो एक्सपोजर है ना वो काफी डिफरेंट हो जाता है। अब पुलिस का काम हमेशा लॉ एंड ऑर्डर में जो है ना, हमेशा आपकी पोस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर किसी उसमें LEA किसी में होगी ना, CIA में हो जाएगी अपना, आपके पास FIA में हो जाएगी। लेकिन अब पैस में सारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए, यू कैन गो इनटू फाइनेंस मिनिस्ट्री, यू कैन गो इनटू इकोनॉमिक्स, यू कैन गो इनटू आई डोंट नो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं आप। तो इसमें एक्सपोजर और ग्रोथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आई नो शिशका है थोड़ा पुलिस में, यूनिफॉर्म होता है उसमें अच्छा होता है, लेकिन शायद यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन पैस एज कम्पेयर टू PSP। राइट सर। अच्छा अगर मैं बात करूं एस एन साहब के, अब आते हैं डीएमसी की तरफ, क्योंकि हमने ये सेशन लेट ही इस वजह से किया, एक दफा डीएमसी आ गए, फिर एस एन साहब वीकेंड पे बिजी थे तो आज हमें मौका मिला इनसे बात कर सके, क्योंकि बाकी ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं। डेफिनेटली अगर मैं इनसे ये पूछूं कि आपको कैसा फील हुआ जब आपका रिजल्ट आया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हुआ होगा। मेरा या आईसेप का जो पर्पज है वो ये है कि डेफिनेटली अब एग्जाम ओरिएंटेड या सब्जेक्ट ओरिएंटेड बात की जाए, अगर मैं एस एन साहब की डीएमसी की बात करूं तो इनके अगर बाकी, तो डेफिनेटली आप सबको पता है जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या मामला होता है, ऑप्शनल में इनका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग था और जिन्होंने बहुत जबरदस्त इसमें स्कोर किया, 175 स्कोर है जो कि बहुत एक रिमार्केबल स्कोर है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था 82 मार्क्स, उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री 58 मार्क्स, क्रिमिनोलॉजी 51 एंड पंजाबी। सो पहले जो दो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो डेफिनेटली इनकी डिग्री के रिलेटेड हैं और वहीं से बाकी ओपन सब्जेक्ट हैं। सो ऐसे हिसाब में ये आपसे जानना चाहूंगा कि इनका आपने इंतखाब कैसे किया, क्या आपने देखा यूरोपियन हिस्ट्री क्यों रखी जाए, क्रिमिनोलॉजी क्यों रखी जाए, पंजाबी, और साथ ही इसके साथ ही फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि आप एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको वो देखें, कि अब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख रहे हैं, इतने ग्रुप्स हैं उनमें से अब देखना, उनको फिल्टर करना टफ है, सो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा, क्योंकि अपना बैकग्राउंड है, जैसे आपने शुरू में तारुफ में बताया कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से है मेरा बैकग्राउंड, तो मेरे लिए तो बड़ी एक नेचुरल सी ये जो है ना ऑप्शन थी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रखना और उसके साथ ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखना। अब यूरोपियन हिस्ट्री क्यों रखी और जेंडर क्यों नहीं रखा या US हिस्ट्री क्यों नहीं रखी, तो अब हुआ ये था कि जो हमारे से पहले वाली अटेम्प्ट थी ना और उससे पहले वाली थी, तो US हिस्ट्री इतना स्टेबल नहीं था, काफ़ी लोगों को इतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे थे उसके अंदर, और जेंडर का भी यही था कि कभी कभी अच्छा आ जाता था कभी कभी नहीं आता था। लेकिन एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने ये कहा था कि यार सब्जेक्ट्स हमेशा ऑप्शन वो चूज करो कि स्टेबल हो। देखिए आप ऐसे प्रेसी और इस्लामियात इस तरह के सब्जेक्ट्स में फेल होना ना, तो एक समझ आती है कि यार कभी कभी टारगेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करें जो रिस्की हैं, तो मेरे ख्याल से इतना वाइज डिसीजन नहीं होता वो। तो यूरोपियन हिस्ट्री मैंने इसीलिए चूज की थी और यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ के यकीन माने बहुत मजा आया, इवन दो इतना स्कोर नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और रिलेटिवली थोड़ा कम है इस अटेम्प्ट में, लाइक पीपल आर गेटिंग अराउंड 88-89 मार्क्स इस बार ना, तो उस हिसाब से आई स्कोर्ड अ बिट लेस, लेकिन फिर भी मजा बहुत आया इस सब्जेक्ट को पढ़ के। तो आई वुड ग्रेट डेफिनेटली सर। रिकमेंड यूरोपियन हिस्ट्री। ओके सर, और एंड उसके व्हाट बाद अबाउट क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी, वो जो मिस्टेक की मैं बात कर रहा था ना कि लोग नहीं करनी चाहिए कि स्टेबल मजमून चूज करना चाहिए, तो मैंने क्रिमिनोलॉजी के टाइम शायद थोड़ा सा मैं लेजी हो गया, उसके ना छोटे से नोट्स मिले मुझे और दोस्त ने कहा कि यार ये कर लो तो हो जाएगा, तो वो मैंने बस इसलिए चूज कर लिया। और अगर मैं अभी खुदा खास्ता मुझे अगली अटेम्प्ट देनी पड़ती तो मैं डेफिनेटली क्रिमिनोलॉजी को चूज ना करता, एक तो मजा नहीं आया पढ़ के और सेकेंडली ना इसमें क्वेश्चंस इतने डिफाइंड नहीं होते अच्छी तरह से। यूरोपियन हिस्ट्री ना आपको पता है कि यार दीज आर द क्वेश्चंस और मुझे इन पे टेस्ट किया जाएगा, क्रिमिनोलॉजी एक इतना वाइड सब्जेक्ट है कि आपको एग्जामिनर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, तो आई वुड नॉट रिकमेंड इट एंड आई दैट वाज अ मिस्टेक दैट आई डिड, जो मैंने चूज किया था इसको क्रिमिनोलॉजी को। और पंजाबी, सर पंजाबी इसलिए चूज किया था कि पंजाबी थोड़ा रूरल बैकग्राउंड है मेरा, तो पंजाबी बोलने में मुझे आसानी होती है और स्कोरिंग था आसान था, दोस्तों ने कहा कि शेर वगैरह तैयार कर लेना तो हो जाएगा,
तो यही मेनली रीजंस थी। तो मैं एस्पिरेंट्स को भी यही कहूंगा कि एक बैलेंस मेंटेन करें आपके दूसरे सवाल के जवाब में, कि सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ भी हो और एट द सेम टाइम स्कोरिंग भी हो, स्टेबल भी हो। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं स्टेबल नहीं होते, वो उनको चूज करना भी एक रिस्क होता है। जैसे एंथ्रो है, कभी कभी 90 स्कोर भी दे देती है आपको, लेकिन कभी कभी आपको 25 भी दे देती है। तो उस हिसाब से सब्जेक्ट से हमेशा स्टेबल से चूज करने चाहिए। जैसे मर्केंटाइल लॉ एक अच्छा ऑप्शन है, हमेशा स्टेबल स्कोर देता है आपको, 50 से नीचे कभी नहीं जाता है इसका स्कोर। तो यही मेरी एडवाइस है हमको कि स्टेबल भी हो और आपकी स्ट्रेंथ भी हो, आपको अच्छी तरह आता भी हो। क्योंकि अब पंजाब में ना सिर्फ पास करना जरूरी नहीं है, पंजाब में आपको अच्छे स्कोर के साथ पास करना, 700+ अगर आपने पैस या पुलिस में जाना है तो 700+ आपको रिटन में एटलीस्ट चाहिए, और फिर डिसेंट स्कोर चाहिए आपको इंटरव्यू के अंदर भी। तो ऑप्शंस अपने काफी सोच के, काफी मशवरे के साथ जो है ना उसको चूज करें आप। राइट सर, ग्रेट एडवाइस इंडीड। अच्छा सर, अब हम आते हैं कि जो हम आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स बिगिन विद इंग्लिश, जो सबसे टफ समझा जाता है इंग्लिश ऐसे, और दूसरा जो है इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन, अगर इसकी बात की जाए तो आप इंग्लिश के हवाले से क्या एक आपने अप्रोच रखी, आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश की फाउंडेशन होना, इंग्लिश ग्रामर होना, इज इट नेसेसरी? क्योंकि हमने ऐसे भी लोगों को सजेशंस देते देखा है जो ये कहते हैं कि फाउंडेशन इट्स नॉट नेसेसरी, आप इसको छोड़ दो, बस अच्छी बुक्स पढ़ो, न्यूज़पेपर जो है वो रीड किया करो, और इस किस्म की चीजें आपका खुद ही एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, और इस पे आप क्या टिप्स देंगे कि इंग्लिश ऐसे या प्रेसियन कंपोजिशन के लिए एस्पिरेंट्स को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? सर देखें, इसमें अगर कोई ये बात करता है ना कि आपकी ग्रामर, आपकी फाउंडेशन मैटर नहीं करती, तो वो इज मेकिंग अ फूल ऑफ यू। क्योंकि देखिए, आप अंग्रेजी लिखनी है आपने तो अखबार पढ़ लेंगे, आपके पास नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन अब जो प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, अब आपको अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का मतलब नहीं पता, उनमें कौन से हेल्पिंग वर्ड्स लगाने होते हैं, आपके पास ग्रामर कौन सी यूज करनी होती है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो एक्सप्रेशन आपको अखबारें नहीं सिखा सकती, और आपने अखबारों वाली अंग्रेजी लिखनी भी नहीं होती ऐसे के अंदर। ऐसे के अंदर आपने अंग्रेजी लिखनी है जो प्रोफेशनल एकेडमिक एक लैंग्वेज होती है वो लिखनी होती है। तो फाउंडेशन बहुत जरूरी है, ग्रामर बहुत जरूरी है, और ग्रामर इज अ प्री रेक्विजिट। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो मेरे ख्याल से आपको पहले 2-3 माह अपनी जो सीधी अंग्रेजी लिखना है ना वो सीखनी चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, किस तरह से एक्टिव पैसिव किस तरह से यूज करते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यूज करनी चाहिए, आर्टिकल का यूज आपको आना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर ये नहीं आते तो बड़ा एक लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू टू क्लियर द एग्जाम, ऐसे एग्जाम। राइट सर, एंड सेकेंड बट अबाउट प्रेसिएंट कंपोजिशन, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके स्कोर 43 है, और मैं बाकी का भी देख रहा था, बाकी लोगों का भी, जैसे जो टॉपर है आई बिलीव उनका 47 है, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, जैसे माहीन हसन साहिबा, उन्होंने टॉप किया तो उनका इसमें 82 स्कोर था। इस दफा एक तो सबको पता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो जो है बहुत टफ आए थे, लेकिन बाकी आप क्या समझते हैं लो स्कोर होने की, अगर टॉपर्स का स्कोर 47 या 40s में घूम रहा है, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो पहले मुझे पहले रीजन बताइए कि व्हाट एक्चुअली हैपन, एंड सेकेंडली आप क्या सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को कि प्रेसिएंट कंपोजिशन की प्रिपरेशन जो है उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? सर, टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैपेंड, तो वो तो खुदा ही जानता है कि क्या होता है हर साल, राइट कि कैसे पता सर, नहीं कि किसी साल वैसे में काफी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लोगों के, कभी कभी नहीं आते हैं ऑन एवरेज मार्क्स। तो अब अगर सबके ही खराब आ रहे हैं तो इसका मतलब स्टूडेंट्स में मसला नहीं है, कि ये कोई ट्रेंड का ही मसला है कुछ जो है ना। शायद किसी साल FPSC डिसाइड करती है कि स्कोर अच्छा देना है, या फिर कभी कभी ये भी होता है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कैसा एग्जामिनर आ गया। तो इसका मुझे इतना अच्छी तरह से अंदाजा नहीं है, शायद अब जब सिविल सर्विस में जाएंगे FPSC में किसका डायरेक्शन होगा तो विल फाइंड आउट बेटर। तो खैर, जो दूसरी आपकी बात है कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी सर ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो है ना आपके MCQ में स्कोर आए इसमें, क्योंकि वो आपके पेट मार्क्स हैं 20, तो उसमें से आप जितने ज्यादा ले सकें आप उतना एक जो है ना गारंटी करें खुद को कि आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम। ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो है ना इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपका पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, सॉरी पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके, आपके पास ईडियम्स हो गए, आपके पास MCQs हो गए,
ये ना बड़े एक पेड मार्क्स हैं, ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं, अगर आप ये सही करोगे तो एग्जामिनर आपको ठीक मार्क्स ही देगा। ये मैटर नहीं करता कि ट्रेंड क्या चल रहा है या एग्जामिनर स्ट्रिक्ट है नहीं है, लीनियंट है। तो मेरे ख्याल से इसको सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए और आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। ये तो आप मेक श्योर कर सकते हैं ना कि ये स्कोर तो आपको कंफर्म आए ही आए। तो अब जहां तक बात है प्रेसी राइटिंग की और ट्रांसलेशन और ये सारी चीजें कंपोजिशन की, तो ये तो प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो मार्केट में काफी बुक्स अवेलेबल हैं इस चीज पे, तो आप कोई भी बुक उनमें से देख लें तो काफी काफी अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल होता है। तो प्रैक्टिस के साथ ही आपको किसी अच्छे टीचर को आप चेक करवाएं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, मैं फिर से बात उस पर फोकस करूंगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव मार्क्स हैं ना, इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और आपके जो एमसीक्यूज हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था सर। मैंने तो जो जीआरई के 35 मिनट वर्ड्स हैं वो भी काफी अच्छी तरह से तैयार किए थे। तो मैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि वो उस पर ज्यादा फोकस करें। इवन दो लोग उसको छोड़ देते हैं, इतना शायद फोकस नहीं करते कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, अच्छा सर, नेक्स्ट साइड सब्जेक्ट की बात की जाए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। अब डेफिनेटली एबिलिटी वाला पोर्शन आपके लिए तो जैसे हम कहते हैं इट वुड बी वेरी इजी हलवा होगा, सो उस पे पहले सजेशंस देते हैं डेफिनेटली कि क्या किया जाए, उसमें क्या एरियाज जो है वो देखे जाए, क्योंकि कुछ लोग बहुत एडवांस मैथमेटिक्स या एबिलिटी वाला पोर्शन उस तरफ चले जाते हैं और वो बेसिक्स जो है उनको स्किप कर देते हैं। और सर सेकेंडली जनरल साइंस के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जनरल साइंस की जो तैयारी है ना वो रटा बेस्ड है, काफी रटा बेस्ड, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर हो जाए या इवन जो ये एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर्स हैं, तो वो चीजें ऐसी हैं कि आपने उनको नाम है उनको याद करना है, उसमें डिफरेंट फिगर्स हैं, उनकी हाइट्स हैं, तो ये चीजें तो आपको रट्टा लगाने से ही आएंगे। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं अच्छा स्कोर लाने के लिए? इवन तो इस बार इतने अच्छे स्कोर लोगों के नहीं आए इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन ऑन एवरेज मेरे स्कोर काफी बेहतर है। तो मुझे, मेरा पेपर काफी बेहतर हुआ था इसके अंदर। तो उसमें सर कुछ टेक्निक उसमें यही होती है कि थोड़ी सी फनकारी करनी पड़ती है। आप, अब फनकारी को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि आपको ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, आपको मैप्स बनाने पड़ते हैं, आपको टेबल्स बनाने पड़ते हैं, जहां आपको लगता है ना कि कोई टेबल वगैरह कुछ जा सकता है इसके अंदर, तो आपने वो लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये उससे आपके पेपर को ये डिस्टिंग्विश करेगा बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे, तो उसमें आपका फिर स्कोर ज्यादा अच्छा है। और जहां तक एबिलिटी की बात है, तो एबिलिटी में आप सबसे पहले तो ये फोकस करें कि जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स हैं उसमें देखें किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। जनरली वो पैटर्न वाले होते हैं या फिर काफी सिमिलर होते हैं क्वेश्चन, तो जो उनकी टेक्निक्स होती हैं वो देखें, परम्यूटेशंस उनको देखें कि जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको देखें आप। और डिफरेंट ना कुछ सेट चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स की सिर्फ टेक्निक्स और फॉर्मूलाज आते हैं ना आपको, तो मेरे ख्याल से काफी आसान हो जाते हैं। फिर उसके अलावा ये इस बार हमारी बार इन्होंने क्वेश्चन कुछ सेल्स टैक्स के बारे में दे दिया था, बेसिक कैलकुलेशन जो होती हैं, तो वो भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जो फाइनेंशियल उसमें होते हैं कि फाइनेंशियल कैलकुलेशन के टैक्स कितना होता है तो कितना बिल आएगा आपका, और अगर कॉस्ट इतनी है तो प्रॉफिट इतना कितना होगा उसके अंदर, इस तरह की जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, और ब्रेक इवन की कैलकुलेशन होती है इसमें, तो ये थोड़ी सी जो उसको थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है एक बार, लेकिन अगर एक बार उसको आप समझ लें तो आपके जो मैथ के 40 नंबर हैं वो तो सीधे पक्के हो जाते हैं ना वहां पे। तो मेरे ख्याल से उनको टारगेट करना बड़ा जरूरी है। जबरदस्त सर, बिल्कुल इस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने ये कर लिया मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल जितने आप मार्क्स लेना चाहें, आपको अगर सारी चीजें आ रही हो तो डेफिनेटली आप वो ले सकते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट है पाकिस्तान अफेयर्स, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, और अगर उसको देखा जाए फर्दर तो आप उसमें कुछ और चीज ऐड करके एस्पिरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? सर पाकिस्तान अफेयर्स में मैंने किया ये था कि सबसे पहले ना, एक मैंने जैसे जैसे मैं रिसोर्सेज कलेक्ट करता था ना, मैं उनकी लिस्ट बनाता था अपने साथ। लिस्ट में क्या होता था, बुक का नाम, बुक का ऑथर और उस बुक के जो मेन आइडियाज हैं वो क्या उसमें डिस्कस किए हमने, ठीक है। अब इसकी आपको अगर मैं मिसाल दूं तो जैसे अब इशरत हुसैन साहब की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, तो उस उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो है मसले उनको काफी अच्छे,
लगा दिया आपको मेरी? मैं पहले आवाज कट गई थी, अगर आप काइंडली अच्छा रिपीट कर अच्छा दें। आप इशरत हुसैन की बात कर रहे थे। जी 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 इशरत हुसैन साहब ने, इशरत हुसैन साहब की किताब है ना, गवर्निंग या अनगवर्नेबल, राइट सर, तो अब उसमें उन्होंने काफी अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान के जो मसले हैं उनको डिस्कस किया है, इकोनॉमिक और सोशलिज्म। तो अब अगर उसको, उस किताब को मैंने पढ़ा है, तो उसमें मेरा पूरी उसको पढ़ने का, बेशक मैंने पूरी नहीं भी पढ़ी तो मैं उसकी समरी देख लूंगा इंटरनेट से कहीं से, ठीक है, और उसको मैं नोट डाउन कर लूँ। तो मैंने एंड पे ना ये एक लिस्ट ही बनाई थी अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर, और उसमें मेरा तरीका यही था कि यार वो जो फनकारी की मैंने आपको बात बताई है, कि अब एक बात को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक उसको मैं रेफरेंस देके कर सकता हूँ हाईलाइट करके मार्कर के साथ, और एक मैं वैसे ही अपना आइडिया पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर सकता हूँ। तो अगर मैं उसको हाईलाइट करके अच्छी तरह से पेश करूंगा एग्जामिनर के लिए, तो उसका दिल खुश होगा, वो ज्यादा लीनियंट मार्किंग करेगा मेरी, उसको लगेगा कि यार बच्चा तैयारी करके आया। अगर वही आइडिया मैं अपनी राइटिंग के अंदर छुपा के लाइंस के अंदर लिख दूंगा, तो शायद उसको ऊपर से गो थ्रू करें तो उसको पता भी ना चले। तो इसका यही है सर कि पहले तो आप अपनी रिसोर्स बिल्ड करें जो एक लिस्ट है उसकी, और उसके बाद फिर जिस क्वेश्चन में भी, जहां पे भी कोई भी कोट किसी का आपको लगता है कि यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, कोई भी फिगर्स एडजस्ट हो सकती हैं, कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ लेते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी इस तरह की चीज है, तो उसको आप कोट करें। IMF के जो आप, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, जिस तरह आप IMF के प्रेसिडेंट कौन है हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन है, वर्ल्ड बैंक के कौन है, UN के जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये डिफरेंट चीजें पता होनी चाहिए, और आपका US का जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, इस तरह की ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इनका पता होना चाहिए, और आपको इनकी जनरली क्या पॉलिसी मेकिंग के आइडियाज क्या है। तो जब आप इन लोगों को वहां पे आप कोट करते हैं मार्कर के साथ हाईलाइट करते हैं, तो आपका पेपर जो होता है ना, वो जो मैंने पहले बात किया, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाता है लोगों से, तो उससे फिर स्कोर ज्यादा आता है आप। राइट सर, ओके सर। सर, ये इस्लामियात का मैं स्कोर देख रहा हूँ, 40 मार्क्स। व्हाट हैपेंड अगेन? अगेन आई डोंट आपकी नो, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? अगेन यू डोंट नो। अ वेरी सेफ आंसर। आप वही इस पे सेफ आंसर चले, टिप्स ही दे दें स्टूडेंट्स को। सर। टिप्स इसमें, पहले तो आई फील रियली लकी दैट आई पास्ट, 39 होते तो बड़ा मसला हो जाता, तो 40 है बहुत है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस पे ना। तो इसमें कंपलसरी में ना बस पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है, स्कोर आ जाए तो अच्छी बात है, मेहनत पूरी करनी चाहिए। मैं टारगेट कर रहा था 70 स्कोर, लेकिन वो बस इस बार थोड़ा सा इस्लामियात के पेपर में काफी फेलियर रेशियो ज्यादा रही है आपकी, तो शायद पता नहीं फॉर सम रीजन स्कोर कम आया इसमें। तो अब इसमें स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी, कि आपने वही सेम एग्जैक्ट सेम चीज करनी है आपने, कि कोई क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आप आखिरत के ऊपर तैयार कर रहे हैं, तो अब आखिरत से आपने देखना है कि रेलिवेंट इस टॉपिक के 5 से 6 आयतें अरेबिक के साथ और 4-5 हदीसें, ठीक है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है उनको, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने जब, जैसे ही वो आप एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा ना आपका, तो वो आपकी नोटबुक बिल्ड होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, अगला टॉपिक या अगले पेज पे बनाइए उसकी, तो वो 20-25 पेजेस बन जाएंगे आपके। उसके बाद जब वो पूरा आपका एक जखीरा बन जाएगा, तो उसमें फिर आपने करना ये है कि उसको दिन में हर रोज जो है ना आधा एक घंटा उसको रिपीट करना है हर रोज, तो उसमें आपको फिर रटा लगाने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, हर रोज पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, 2-3 माह में आपको खुद ही अरेबिक के साथ तर्जमा भी तैयार हो जाएगा, और जब आप ये चीजें पेपर में आप करते हैं तो आपका पेपर फिर वही डिस्टिंग्विश हो जाता है काफी, और क्योंकि वहां पे ज्यादा इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर्स भी आपके पेपर मोस्टली चेक कर रहे होते हैं, तो वो फिर अरेबिक देख के और रेलिवेंट हदीसें और आयतें देख के काफी इम्प्रेस होते हैं आपके एग्जाम के साथ, और अच्छा स्कोर आता है जनरली। सर, एक्सीलेंट सजेशन। अच्छा सर, सेकेंड लास्ट मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, और ये जनरल क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सब्जेक्ट्स, कि वैसे आपकी इस एग्जाम से पहले बुक रीडिंग की या नॉलेज बेस आपका पहले कोई मामला था, कोई बुक रीडिंग की आपकी हैबिट थी, और आप इसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं नॉलेज बेस को, या वैसे जो जनरल बुक रीडिंग होती है, पॉलिटिक्स पे होगी, बाकी चीजों पे होगी, इज इट इम्पॉर्टेंट? आप क्या समझते हैं? सर अगर आप रीडिंग करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड हैबिट,
और अगर नहीं भी करते, और अभी अगर आपका प्लान है, अभी आप यूनिवर्सिटी के पहले साल में हैं, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट रीडिंग इट, रीडिंग बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री, दुनिया की तारीख के बारे में पता होना चाहिए आपको, आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए, आपको डॉन आप पढ़ें हर रोज। लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि इन चीज़ों को पढ़ना एक प्री रेक्विजिट है सीएसएस को पास करने के लिए, सीएसएस में अच्छे नंबर लेने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से तो बड़ी एक मिसकंसेप्शन होगी। क्योंकि सीएसएस में आपने टारगेटेड स्टडी करनी होती है, इवन दो आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें हेल्प नहीं करती, ये चीज़ें आपकी बिल्कुल हेल्प करती हैं, लेकिन ये चीज़ें कोई कंडीशन नहीं है कि आप सीएसएस पास करने के लिए आपको ज़रूरी ये सारी किताबें पढ़नी ही पढ़नी। तो अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं कि 3 से 4 साल में आपने अटेम्प्ट देनी है, तो आप अपनी हैबिट्स अभी स्टार्ट करें, आपको बड़ा हेल्प करेंगी ये चीज़ें। इंटरव्यू के अंदर खासतौर पे, इंटरव्यू में काफ़ी ये चीज़ जो है ना, आपके दुनिया के बारे में, तारीख के बारे में, अभी आजकल का तो पैनल है, इनको तारीख बड़ी पसंद है, तो तारीख पे बड़े सवाल करते हैं इंटरव्यू के अंदर, रशियन हिस्ट्री के बारे में, यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में, नेपोलियन के बारे में, बड़ा इनको ना बड़ा पसंद है ये चीज़ें, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। लेकिन वही बात है कि, और मेरे जहाँ तक पर्सनली अगर अब मैं आपको अपनी बताऊं, तो अपनी मैंने बुक रीडिंग से स्टार्ट की थी 2019 के अंदर, जब मैं यूएस से एक्सचेंज सेमेस्टर के बाद वापस आया, तो उसके बाद फिर मेरी यूएस में थोड़ी मैंने यूएस हिस्ट्री पढ़ी, तो वहां से ना थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान आके काफी जो है ना थोड़ी हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, फिर उसके साथ साथ ये विल्डोरांट और इन इन लोगों की जो है ना बुक्स थोड़ी बहुत, वो जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा, सॉरी, सर आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है, कट गई थी अंदर। जी, अब विल ड्यूरेंट का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जी, विल डुरांट साहब को थोड़ा सा टच किया, और इस तरह के डिफरेंट जो फिलोसोफर्स हैं, थोड़ा सा उनका एक बेसिक, थोड़ा बहुत उनकी जो बुक्स हैं उनको थोड़ा बहुत देखा, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। लेकिन आई विल नॉट से दैट आई वाज एन एविड रीडर ऑफ बुक्स। अभी थोड़ा सा काफी आदत बन गई है एग्जाम्स के बाद खासतौर पे, लेकिन उससे पहले इतना ऐसा कुछ नहीं था खासतौर राइट सर, मतलब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने 3 4 साल बाद एग्जाम देना हो, वो भी अपना काम करें, अपने स्टडीज पे फोकस करें, और साथ अगर हैबिट डेवलप करें तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। और अगर एग्जाम जी। करीब लेकिन है तो अगर आपकी एक डेफिनेटली डेढ़ साल में अटेम्प्ट है, तो कोई जरूरत नहीं पड़नी। सही है सर। ठीक है, अच्छा सर, उसके बाद है कि कुछ डूज एंड डोंट्स का बड़ा जिक्र होता है, वो क्या ऐसी चीजें हैं जो जनरली एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए, जैसे कोई भी चीज हो सकती है, ये टाइम टेबल फॉलो किया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं जी हम सुबह 7 बजे उठेंगे और रात 11 तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो ये अब डेफिनेटली एक हेक्टिक स्ट्रेटजी है कि आप वो देखते हैं कि 3 दिन ही आप ऐसे पढ़ पाएंगे या 4 दिन, उसके बाद आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या ऐसी जनरल बातें हैं जो डूज एंड डोंट्स हैं इस पूरी जर्नी में जो आपने अपनाए, बहुत सी स्ट्रेटजीज आपने भी अपनाई होंगी, फिर उनको डिस्कार्ड करके पीछे छोड़ के आगे नहीं बनाई होंगी। सो प्लीज सर, कुछ डूज एंड डोंट्स। सर, डूज में एक ये है कि डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ना ये बड़ा, इट्स नॉट एन इजी जर्नी, इट्स नॉट इजी टू जस्ट रिमेन इन योर रूम फॉर 6 to 8 months एंड स्टडी, और वो भी उस एग्जाम के अंदर जिसमें, अच्छा वो बड़ी एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, और तैयारी अभी काफी पीक पे होती है, तो उस टाइम रिजल्ट आ जाता है। अभी जो जिस तरह आप इस साल, अभी 3 माह में एग्जाम है और अभी रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट, तो अभी काफी लोग होते हैं जिनके काफी दोस्त होते हैं जो एलोकेट नहीं होते इंटरव्यू के बाद भी, तो ना वो बड़ा एक डिस्करेजमेंट हो जाती है, आप थोड़ा सा काफी डिसहार्टन हो जाते हो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कैरी ऑन करना फिर आगे। इसी तरह जब रिटर्न का रिजल्ट आता है, तो इंसान सोचता है कि यार देखो इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, तो मेरा कैसे हो जाएगा। तो एक डू ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, एंड यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो इसको, और आप जैसे होते हैं या शायद आपसे भी कम लाइक लोग होते हैं जो इसको क्लियर करते हैं। और डोंट ये है कि एट द सेम टाइम ये भी नहीं सोचना कि मैं तो कर ही लूंगा ना, कि कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना है आपने, और
मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है, इजी नहीं लेना एग्जाम को, जितनी आप मेहनत कर सकते हो आखिरी दम तक आपने करनी है। तो ये एक डोंट है, और बाकी क्योंकि मेरी सर पहली अटेम्प्ट थी तो शायद इतना एक्सपीरियंस आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं आपको सर जितना इस चाहे सवाल उतना ही आप दे लो। ओके तो बस यही, बाकी हर किसी का अपना जर्नी होता है, मैंने ये देखा है काफी ना। अब कुछ लोग होते हैं वो रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सुबह सुबह पढ़ते हैं, तो ये हर किसी का अपना एक अपना जर्नी होता है। तो मैं इसमें शायद किसी को उस तरह से एडवाइस नहीं कर पाऊंगा कि वो इसको किस तरह से, हाउ दे गो अबाउट इट। राइट सर, डेफिनेटली सर, ये अपना अपना एप्टीट्यूड है, अपना अपना सारा मामला है। अब आप कुछ लोग वो भी आपसे पूछना चाह रहे होते हैं कि आपने एक्चुअली हमें वो टाइम पीरियड बता दें कि अच्छा आपने 10 डेज में एक सब्जेक्ट फिनिश किया, 20 में किया, 30 में किया। वो डेफिनेटली आप उनको वो बता देंगे, वो ट्राई करेंगे। हो सकता है वो आपसे पहले कर लें, हो सकता है वो एग्जैक्टली 1 महीना लगा के भी ना कर पाए। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, सबका अपना अपना है। बस सर इसी किस्म की चीजें हैं। सर थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट टॉक, मजा आया और बहुत चीजें हेल्पफुल रही होंगी इट वाज एस्पिरेंट्स के लिए। ऑल थैंक माइन।